iftar ke waqt, aaj when you break your fast, when you break your fast, when you sit on your dining table, सामने नेमतें हैं, दो तीन मिनट मेरी बात सुनेंगे, दो तीन मिनट की चीज बोला, not more than 2 minutes. Don't tell me कि इफ्तार के वक्त इतने बड़े बड़े आमाल दे रहे, नहीं दे रहा बाबा, बड़े आमाल नहीं है, मैं आपके फायदे की चीज दे रहा हूँ. When you sit on your dining table, कल जो मैंने बताया वो जरूर करो, ऑल्टरनेट डे करो. आप बोलेंगे यार कितने चीजें करेंगे बैठ के, इफ्तार खाएंगे या आपके अमाल करेंगे. ये ऑप्शनल है, ये कोई वाजिब नहीं है, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा. लेकिन मैं ये चाहता कि कुछ फायदा पहुंचे ना. इतनी मेहनत, मैं जानता हूं ना कि आप कितनी मेहनत से आप आज का पूरी रोजा रखा है आपने, और रोजे के बाद आप चाहेंगे कि अल्लाह मेरा रिस्क खुल जाए, मेरी बीमारियों से बच जाऊं, बच्चे मेरे अच्छे निकले, 1000 चीजें आपके जहन में, कारोबार अच्छा चले, कोविड से बच जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह सब. उसके लिए क्या करो, जब बैठो वहां डाइनिंग टेबल पे ना, एक सलवात, सिर्फ इतना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज. और अब आते थे कुर्सी पे, अपनी चेयर पे बैठने से पहले भी पढ़ सकते. फिर एक दफा हाथ ऐसा सर पे रखो, और नहीं उससे पहले क्या करो, एक अलम का सूरा, एक अलम का अलसलवात और एक अलम का सूरा जस्ट, और 3 मरतबा सूरे तौहीद. मैं इसलिए बोला अलम का सूरा भी काफी है, लेकिन सूरे तौहीद इसीलिए पढ़ो, उसकी फजीलत मैं अभी बताऊंगा. अगर आज मौका मिला तो आज वरना कल. एक फातिहा पढ़ी, अलहम का सूरा, सलवात, सूरे तौहीद पढ़ के बीबी नरगिस खातून को हदिया कर दो, हमारे इमाम की वालिदा को. किसको? बीबी नरगिस खातून को हदिया करो. हमारे उलमा ये बोलते कि अगर कोई हमारे मादरे, हमारे इमाम की वालिदा को कोई हदिया करे, और बीबी को बोलो बीबी ये रिस्क नेमतों के साथ हो जाए, रहमतों के साथ हो जाए, और इससे सेहत हो जाए. आप अपने फर्जन को बोल के हमारी दुआ कबूल कर लो, हमारे रोजा कबूल. एक रोजा भी कबूल होगा तो तुम्हारी बख्शीश हो जाएगी. याद रखो, हमारे रोजे वैसे नहीं है, ब्रोकन रोजा से. सिर्फ बीबी नरगिस, इसकी फजीलत कल भी बताऊंगा इंशाल्लाह. बीबी नरगिस खातून को हदिया करो. उसके बाद एक हाथ मेरी तरफ देखा रख के, सलाम अलैका या फरजंदे ज़हरा, अस्सलाम अलैका या फरजंदे ज़हरा, अजलुल्लाह ताला फरजो शरीफ. बस एक जुमला, और एक जुमला सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन. बस इतना. कितनी देर हुई यार, कितनी देर हुई? 1 मिनट, 2 मिनट. 2 मिनट पहले आ जाओ. मिसाल के तौर पे 8:11-12 मिनट पे आज लंदन में इफ्तार है, 8-10 पे आ जाओ डाइनिंग टेबल पे, ये काम हो जाएगा आपका. खाना सामने रखा हुआ है, अपने काम कर ले. सलाम, खाने से पहले सलाम, 2 सलाम है. मौला हुसैन को सलाम करोगे, उस इमाम को सलाम करे जो भूखा और प्यासा शहीद हो. और आप सोचो इफ्तार से पहले जैसे ही तुमने सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कहा, हुसैन ने तुमको देखा, तुम्हारे रिस्क को देखा. हलाल रिस्क होना चाहिए. हुसैन ने तुमको जवाब सलाम दिया तो तुम्हारी आज तक दुआएं, एक करम, एक रहमत, रमजान की रहमत तुम्हारे ऊपर आ गई. इसलिए कि हुसैन की निगाह रहमत की निगाह है, इमाम की निगाह रहमत की निगाह होती. मौला ने तुमको देखा. उसके बाद तुमने अपने जमाने के इमाम को भूला नहीं, उनको सलाम किया. बस मैं, आप सोचो ये वो अमल मैं आपको दिया 2 मिनट का. प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज ही करो. अगर आज करो तो बहुत अच्छा है, कल करो, परसों करो, और ये सिर्फ रमजान की हद तक. लेकिन अगर आप बाद में भी करें तो कोई वाजिब अमल है, बाद में भी करें तो चलेगा. किसी को फिर ये बाद में शिकायत ना हो एट द एंड ऑफ द रमजान कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं मिला. हर आदमी को मिलेगा. इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ मासूमीन यू विल गेट इट, यू विल गेट इट. इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ मासूमीन, इफ यू फॉलो द सेइंग्स ऑफ मासूमीन, ये सारे मासूमीन की सेइंग्स है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं. कोशिश करो, कोशिश करो. हमारे उलमा कहते हैं, मैं तो एक स्टूडेंट, हमारे उलमा ये कहते हैं कि अगर तुम मासूमीन के नाम से क्यों कहा जाएगा कि खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सलवात पढ़ के शुरू करो, वहां क्यों कहा गया कि नमक से शुरू करो। ये सारे मासूमीन के बताए हुए तरीके कि बिल्कुल एक पिंच ऑफ सॉल्ट लो और उससे खाओ कि तुम्हारे पेट की 70 बीमारियां दूर हो जाएंगी। कभी हम करते हम इजी लेते हैं। तो मेरी ख्वाहिश दोस्तों दूसरी, मैं यही तो कहता हूं कि दूसरी कौमों के पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास 14 है। 14 एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले।